नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में एक टाइनी कैब कंपनी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो यहां से आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी बना के दे सकती है। दोस्तों, बैरिंग सेगमेंट में काम करने वाली छोटी सी कंपनी है, बट कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है यहां से फ्यूचर में ग्रोथ दिखाने का। तो वीडियो में इस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट बास्केट के बारे में, क्लाइंट के बारे में चर्चा करेंगे, और वीडियो के अंत में आने वाले समय के अंदर कंपनी के लिए कहां कहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सिर्फ 40 करोड़ के मार्केट कैप की एक छोटी सी कंपनी है, 114 रुपए करंटली शेयर का भाव है, और सिर्फ 10 के पीई पे ये कंपनी करंटली ट्रेड करे। आप देख लीजिए बाकी सारी जो लिस्टेड बैरिंग कंपनियां हैं, जैसे कि टिमकिन या एनआरबी बैरिंग, वो कितने प्रीमियम पे ट्रेड करती है, और ये कंपनी सिर्फ 10 के पीई पे करंटली आपको मिल रही है, 160 रुपए के पास बुक वैल्यू है, डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों, आज के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर पोस्ट किए, और कंपनी का Q3 में प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा है, तो कल के दिन ये शेयर अपर सर्किट में भी जा सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस कंपनी के बिजनेस बास्केट के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, क्लाइंट के बारे में, और वीडियो के अंत में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर ये कंपनी कैसी ग्रोथ दिखा सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि छोटी लो लिक्विड कंपनी है, तो अपना रिस्क समझ के ही आप अपना निवेश कीजिएगा। किसी भी माइक्रो कैप टाइनी कैप कंपनी में आपको अपने पोर्टफोलियो का 2-3% ज्यादा का एलोकेशन नहीं देना है, ये बात ध्यान में आप जरूर रखिएगा। और आगे बढ़े उससे पहले एक और अनुरोध रहेगा कि कई सारे जो हमारे व्यूअर हैं वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप भी अगर उनमें से एक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, पर दोस्तों उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें उससे पहले बता देना चाहेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में कैसे वेल्थ क्रिएट करनी है वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ही के लिए हमने कोर्स बनाया है, ABC ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। सिर्फ 399 में आप ये कोर्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर हमने कई सारे फंडामेंटल टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है, तो इस कोर्स को आपको जरूर अवेल करना चाहिए। और अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो आपको हम करंटली 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के खत्म होते ही एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां पे स्टोर में जाके इस कोर्स को भी आप जरूर परचेस कीजिए। तो दोस्तों, आज के जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है AEC, मतलब के ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी। दोस्तों, नाम थोड़ा अगर आप देखें फॉरेन लगेगा, बट ये भारतीय कंपनी है, भारतीयों के द्वारा ही इस कंपनी की शुरुआत की थी, और अभी भी अगर आप देखें कई सारे बेहतरीन मैनेजर इस कंपनी को चलाते हैं। तो चर्चा करते हैं ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों, अपने सेगमेंट में कई सालों से यह कंपनी काम करे, 1973 से कंपनी कार्यरत है, 5 टेक्नोक्रांट ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी, और बैरिंग सेगमेंट में ये कंपनी कई सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है, कई अलग अलग रेंज के बैरिंग के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। दोस्तों, ये छोटी कंपनी 40 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी, तकरीबन 4,500 डिफरेंट बैरिंग के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जहां पे अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के बैरिंग के प्रोडक्ट कई सारे इंडस्ट्री के लिए कंपनी बनाने का काम करती है। भारत के अलावा कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू US और UK के मार्केट से आता है। कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट को ही जनरली अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जहां पे क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कंपनी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखती है, और आगे भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर बैरिंग सेगमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे ये कंपनी भी आगे जाके अपना मार्केट शेयर भी इंप्रूव कर सकती है। इस सेगमेंट में फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, उसमें आपको एक छोटी बेहतरीन बैरिंग कंपनी सिर्फ 40 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है। कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट के बारे में चर्चा करें, कंपनी बॉल बैरिंग सेगमेंट में कई प्रकार के बॉल बैरिंग के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। दोस्तों, ये हाई प्रेसिशन प्रोडक्ट होते हैं, जहां पे जनरली दूसरी कोई कंपनी इतनी इजीली नहीं आ सकती है। आप एरोप्लेन के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए बैरिंग बनाते हैं, तो वहां पे क्लाइंट का अप्रूवल बहुत ही लंबा प्रोसेस है। दोस्तों, बैरिंग छोटा प्रोडक्ट होता है, बट वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट किसी भी इक्विपमेंट में होता है, तो वहां पे बड़े बड़े क्लाइंट से इस कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है। तो आगे भी किसी नई कंपनी को बैरिंग सेगमेंट में एंट्री लेना मुश्किल है, तो यहां पे इस कंपनी के लिए आगे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। कंपनी रॉयल बैरिंग के भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, जिसका अलग अलग एप्लीकेशन में उपयोग होता है। इसके अलावा कंपनी
कई प्रकार के सुपर प्रिसिजन बैरिंग के प्रोडक्ट भी बनाने का काम करती है। दोस्तों कंपनी एयरलाइन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी बैरिंग सप्लाई करती है, तो जो आपको दर्शाता है कि ये कंपनी किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, ताकि कंपनी अगर आप देखे एयरलाइन के कस्टमर को भी अपने बैरिंग के प्रोडक्ट सप्लाई कर पाती है। कंपनी के क्लाइंट बेस इंडस्ट्री बेस के बारे में चर्चा करें, एरोस्पेस इंडस्ट्री को कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, मशीन टूल में भी बैरिंग यूज होते हैं, इसके अलावा माइनिंग और क्वेरी सेगमेंट में भी बैरिंग के प्रोडक्ट काम आते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, विंड एनर्जी में, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में, पंप्स एंड मोटर सेगमेंट में भी बैरिंग बहुत यूज होता है, रेल रोड में भी बहुत ज्यादा बैरिंग यूज होता है, स्टील सेगमेंट में भी बैरिंग यूज होता है और ट्रांसमिशन सेगमेंट में भी बैरिंग का उपयोग होता है। तो कई सारे एंड कस्टमर के लिए कंपनी ये बैरिंग के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। भारत में कंपनी तकरीबन 50% आसपास का रेवेन्यू रखती है और बाकी का कंपनी का रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है। तो यहां से ऑस्ट्रियन इंजीनियरिंग के लिए कहां कहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों ये बैरिंग का मार्केट आने वाले 5 साल में तकरीबन 200 बिलियन यूएसडी का मार्केट बन जाएगा। तो बड़ा मार्केट है जहां पे कुछ ही प्लेयर काम कर सकते हैं करते हैं और उसमें भी ये कंपनी छोटी कंपनी है, तो यहां पे कंपनी लो बेस पे बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों कंपनी एक्सपोर्ट करती है, बट कंपनी सर्टेन कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जहां पे क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता हो, जहां पे कस्टमर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, ऐसी कंट्री में ही कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। मेजरली कंपनी यूएस और यूके के कुछ ही क्लाइंट को अपने ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जहां से कंपनी का अगर आप देखें मेजोरिटी रेवेन्यू आता है, और यहां पे कंपनी क्वालिटी फोकस प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जहां पे कंपनी को बेटर मार्जिन भी मिलता है। दोस्तों कंपनी का छोटा साइज है, सिर्फ 40 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है, बट कंपनी के पास बड़ी रेंज के प्रोडक्ट अवेलेबल है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दोस्तों ये छोटी कंपनी 50 ग्राम से लेकर 500 किलोग्राम के रेंज के बैरिंग के प्रोडक्ट बनाने का पोटेंशियल रखती है। कंपनी के पास ऐसी कैपेसिटी है कि हर एक प्रकार के साइज के और टाइप के बैरिंग कंपनी बना सकती है, और इसके अगर आप देखिए कंपनी कस्टमाइज बैरिंग बनाने में विश्व के कुछ ही प्लेयर में इसका नाम आता है। 1800 mm डायमीटर के कस्टमाइज बैरिंग सेगमेंट में काम करने वाली वर्ल्ड वाइड कंपनी में बहुत ही कम कंपनियां हैं जिसमें इस कंपनी का भी नाम आता है। तो इस प्रकार के कंपनी कस्टमाइज बैरिंग भी बनाने का काम करती है अपने क्लाइंट के लिए। तो एक बेहतरीन नीश कंपनी है अपने सेगमेंट की, छोटी कंपनी है, चर्चा में नहीं रहेगी कहीं पे भी। 40 करोड़ की कंपनी को कोई भी ट्रैक नहीं करेगा, कोई भी म्यूचुअल फंड या FII या PMS इस कंपनी को लेने नहीं आएगा, इसलिए वॉल्यूम भी बहुत ही कम है कंपनी के अंदर। एवरेज वॉल्यूम BSE पे इस कंपनी में 3000 शेयर का ही रहता है। तो लो लिक्विड कंपनी है, बट आज के दिन कंपनी ने नंबर अच्छे पोस्ट की है, तो मार्केट के फोकस में ये कंपनी आ सकती है। और यहां से 2-3 साल में ये 40 करोड़ की कंपनी अगर 150 करोड़ की कंपनी बन जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज की हमारी बेहतरीन यूनिक कंपनी ऑस्ट्रियन इंजीनियरिंग कंपनी। यहां से अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो ही निवेश कीजिएगा। ध्यान में रखिएगा लो लिक्विड कंपनियां वोलेटाइल होगी, ऊपर भी बहुत ही क्विकली जाएगी और नीचे भी बहुत ही क्विकली जाएगी, तो अपने रिस्क को समझ के ही आपको निवेश करना है। फिर से अनुरोध करेंगे 3 साल का व्यू लेके इस कंपनी में आप अपना निवेश धीरे धीरे कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो 190 का टारगेट इस कंपनी में लेके आप चल सकते हैं, जो 6 से 10 महीने में मिल सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी एक यूनिक कंपनी ऑस्ट्रियन इंजीनियरिंग। अगर आपको ऐसे कंपनियां पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी टाइनी कैप अननोन कंपनियां लेके आए। और इसके साथ साथ एक अनुरोध और भी रहेगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर के अलावा हमने कई सारे म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बनाए हैं, तो आप अपने परिवारजनों के साथ जो शेयर में निवेश नहीं करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के वीडियो तो एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं। तो यही अनुरोध रहेगा, वीडियोस को और इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को भी ग्रो करने में अपना सहयोग प्रोवाइड कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।